हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई सितारे होते हैं कि ट्रोल होने से जो है कहीं ना कहीं पॉपुलर हो जाते हैं, और कई होते हैं कि अपनी एक्टिंग से पॉपुलर होते हैं, तो कई शो की टीआरपी हाई आने से पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ सजादा धामी की, जिनकी शुरुआत जो है ये जादू है जिनका गुल खान के शो से शुरू हुई थी। कह सकते हैं कि वो टिकटॉक के काफ़ी फेमस लिस्ट में गिने जाते थे। ऐसे में जो है ये जादू है जिनका में विक्रम सिंह चौहान के अपोजिट ये नज़र आए। कोरोना के टाइम पे इन्हें ये जादू है जिनका में गुल खान ने अप्रोच किया, या ये कहें इनकी एक नई पहचान मिली थी। उसके बाद ये कई शो में नज़र आए, फिर चाहे कलर हो या फिर आपके प्यारे से जो है दंगल, या फिर ये कहें राजन साई की रिश्ता क्या कहलाता में फोर जनरेशन में भी नज़र आए, और काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग से जो है टीआरपी के साथ साथ फैंस के दिल में भी जगह बनाई। फैंस इन्हें पसंद करने लगे थे, जहाँ पे हर्षद चोपड़ा को धीरे धीरे भूल रहे थे। ऐसे में हर्षद चोपड़ा काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, और ऐसे में हर्षद चोपड़ा की जगह सहजादा धामी को लाकर खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में सहजादा धामी ने धीरे धीरे फैंस के दिल में जगह बनाई ही थी कि अचानक से राजन साही को लगा कि ये मेरे शो के खिलाफ़ चल रहे हैं, या ये कहें कि मेरे रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, या मेरे शो के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो है रातों रात जो है सहजादा और प्रतीक्षा को फायर कर दिया। उसके बाद जो है सहजादा धामी ने सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं कहा, ना तो राजन साही के लिए कहा, ना बाकी कास्ट के लिए कहा, कुछ ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया। फैंस बहुत कोशिश करते रहे कि उनसे कुछ पूछा जाए। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि गुल खान का लच्छो शो की तैयारी शुरू हो रही है, जो कलर पर लॉन्च होगा। उसमें शायद जो है आपके सहजादा धामी को अप्रोच किया गया है। जब सहजादा धामी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका सवाल एक ही था, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहता, या मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लोगों को जो सोचना है वो सोचे। ऐसे में ना तो उन्होंने जो है ये रिश्ता के रिलेटेड कोई बात की, और ना ही नए प्रोजेक्ट के। अब खबर आ रही है कि एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो सुपर नेचुरल शो इमल जो है आपका नागिन में ये नज़र आने वाले हैं। ऐसे में नागिन एकता कपूर का हिट लिस्ट में है। ऐसे में सुनने में आ रहा है नागिन 7 में मेन लीड में सहजादा धामी नज़र आने वाले हैं। ऐसे में उनके अपोजिट जो है प्रियंका झांझर चौधरी नज़र आएंगी। ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से आग की तरह वायरल हो रही है। उसी वायरल के बीच में सहजादा धामी ने अपनी सोशल मीडिया पे एक जो है फ़ोटोशूट शेयर किया, या कहे एक रील शेयर किया, जहाँ पे उनका टर्शन लोग डशन लोग या ये कहे एक ज़बरदस्त काफ़ी खुश मिजाज में लग रहे हैं। साफ लग रहा है कि मिस्टर के हाथों में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, तभी तो जो है सोशल मीडिया में अपनी एक नए लुक का अवतार जो है सोशल मीडिया में शो किया है। अब देखना है कि एकता के नागिन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या वाकई ही सहजादा और प्रियंका नज़र आएंगे, या फिर ये हवा में ही बात उड़ रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।